कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये देखिए। ये पैरों से भी कुछ तो यार जब आप लोग बाहर आते हैं ना तो आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों के लिए मेरी ये डिस्के देखो ऑलमोस्ट ख़त्म है, जो ये वाली तो फिर थोड़ी सी जिंदा है अभी, इसमें तो है थोड़ी सी जान, ख़त्म ही थी यार अभी वैसे, पर एक साइड की तो बिल्कुल सूख गई थी ना, तो पोलो की है। तो हिमाचल में रिकॉम्पियो में पोलो की तो नहीं मिली, मिली तो मुझे मेड इन थाईलैंड पर अलग ही है, सस्ती भी है वो वाली, 2100 की पड़ती है, ये वाली 1100 रुपये की पड़ी है, पर ये समझो कि काम बन गया, नहीं तो वो तो बिल्कुल ही चपटी हो गई थी ना। तो इन खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए बाहर आके। ये चक्कर मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये देखो है ही नहीं पैड, एक साइड तो सूख ही गई है ना साइड की। सुबह शाम का वक्त हो रहा है और एक रिकॉम्पियो की नाइट दिखाई जाएगी आपको। एक्चुअली क्या है कि कल्पा में मैंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस नहीं है खाने की, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर यहाँ पे, मास्क बहुत मैंडेटरी है यार, चलान काट दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रिकॉम्पियो लाया जाए और रिकॉम्पियो में फूड भी देख लेंगे, साथ में नाइट पर व्लॉग भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग है इस सीरीज का रिकॉम्पियो वाला। तो मैंने सोचा आपको रात को दिखाते कुछ अलग करते, दिन को तो बहुत कुछ दिखाएंगे क्योंकि रौनक काफ़ी है, जगह प्यारी है, हेडक्वार्टर है आपका किन्नौर का और इसीलिए यहाँ पे बड़ी चहल पहल देखने को मिलती है। आप दिखाते हैं आपको रात को किन्नौर, मतलब रात को रिकॉम्पियो कैसा लगता है। तो जी मेरा वही वाला स्टाइल है ब्रो कि आपको जो दिख रहा है वो दिखाएंगे, और ये है पीओ की मार्केट और मेरी उम्मीद से काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी मतलब अच्छी मार्केट है, और पार्किंग वार्किंग भी बढ़िया सड़क पे बना रखी है। ये देखो यार मज़ा नहीं आता है वैसे, देखो आप, ये देखो सामने बीच में मार्केट और सामने को देखो पहाड़, देखो बर्फ़ से भरे हुए, क्या कमाल लगता है ना ये कॉम्बिनेशन। वैसे उधर को थोड़ा सा आगे वर्कशॉप है जहाँ मैंने डिस्पैच डलवाया था, और ये सामने को हो गई यहाँ की मार्केट। ये देखो यहाँ पे लाइट है, इधर से ही आगे आप देखेंगे, यहीं से आप कल्पा को टर्न कर जाते हैं अंदर से, यहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से लाइट से मैं दिखाता हूँ। ये है नाइट वाला व्लॉग आपका। तो ये जहाँ कोई बस जा रही है ना मुड़ी है जो सामने, ये चला गया आपका कल्पा के लिए, इधर नीचे से बस आती है शिमला से, ये वाला इनका चौराहा है ये वाला। ये देखो मार्केट देखने से लगता है काफ़ी ज़्यादा चहल पहल भरी मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा रौनकें हैं भाई यहाँ पे। अब हेडक्वार्टर है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग ऑब्वियसली यहीं रहते होंगे। ठीक है कहाँ ले जा रहे इसको, है बहुत बड़ा तो रखें घर ले जा रहे, भारी तो नहीं है बहुत, भारी तो नहीं है बहुत। तो यार ऐसा है कि मैं अभी रिकॉम्पियो में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और कल्पा में मेरा डिनर अच्छा नहीं हुआ था, तो थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन थोड़ा बहुत लोगों से मुझे, और जो सामने दिखा वो लिटिल शेफ़ दिखा, बिल्कुल चौराहे पे है जहाँ लाइट है उसके ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ के लिटिल शेफ़ रेस्टोरेंट है। तो मैं आया हूँ लिटिल शेफ़ रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैंने मंगाया है वेज बिरयानी और मंचूरियन, अच्छे से खा के जाऊँगा क्योंकि कल्पा में मुझे कुछ अच्छा खास लगा नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ खाता हूँ। और वैसे भी मेरी ब्रेक की प्रॉब्लम तो आई गई थी, वो तो दिखानी थी, तो वो दिखाई, अब यहाँ से बढ़िया पेट भर के जाऊँगा, सो जाऊँगा। और ये लास्ट व्लॉग है यार, बहुत सारा प्यार देना सीरीज़ को, और इसके बाद मैं चला जाऊँगा वापस शिमला, मिलेंगे फिर कहीं अलग अगली डेस्टिनेशन पे। तो मैं सोचा अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे फूड जब जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा कि यहाँ का फूड कैसा है। लिटिल शेफ में खाना खाया मैंने अभी, और बिल्कुल चौक पे है जो, तो रेट्स भाई बहुत ज़्यादा लगे मुझे उनके, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल यार, कैसे हैं सारे। तो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको अगर म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो एक मिनट सुनो। सो गाइस जो कल्पा की सुबह है ना,
वो इसी तरह होती है, मैं खा रहा हूँ वो किन्नौरी सेब जो मुझे अंकल ने वहाँ पे दिया था, जो मुझे रक्षम में मिला था। फाइनली यार अब वो टाइम आ गया है कि फिलहाल अब जो है किन्नौर डायरीज जो है बंद की जाए और वापस घर चला जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन है जब मैं आज वापस जा रहा हूँ। तो इन 5 दिनों में मैं अपने साथ जो लेके जा रहा हूँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो मेरा बेस्ट ऑफ किन्नौर है, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे लिए सबसे अच्छी मोमेंट्स रही, वो रही सबसे पहले रक्षम, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, रक्षम का विलेज, और ऑफ कोर्स वहाँ के जो अंकल है उनके हाथ का बना खाना जो कि डिलीशियस था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। चितकुल का जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर था, और उसके बाद मैं आया था, उसके बाद कल्पा की सुबह अनफॉरगेटेबल है। अगर आप सुबह यहाँ कल्पा आओगे रहोगे और जब सुबह देखोगे, बिल्कुल आप विलेज में रहोगे, तो बिलीव मी और नॉट ये लाइफ की बेस्टेस्ट मोमेंट्स में जाने वाला है आपकी सुबह। साथ में सुसाइड पॉइंट जो था, बहुत ही गजब का व्यू है, कुछ मतलब बोलने को सुसाइड पॉइंट है, पर आसपास जो वैली आप एग्जैक्टली किन्नौर समझ पाओगे, वो जो ऊंची ऊंची चट्टाने सब कुछ ना, मतलब हैरान हो जाते हो देख के वो सब। ऐसे तो बॉडी सारी मोमेंट्स रही, पर अभी रिकॉल करूं तो कुछ मेन यही मोमेंट्स हैं। और एक सबसे अच्छी मोमेंट उनमें से ये रहेगी जो किन्नौरी अंकल जिन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात की, जो शॉपकीपर थे रक्षम में, जिन्होंने मुझे सेब ऑफर किए, और पिंकी दीदी जो है उन्होंने अपने घर में अपनी बेटी को बोल दिया था कि वो आएगी, लाल गाड़ी आएगी तो सेब लेके जाएंगे, तो ही वॉज काइंड इनफ, मतलब कोई रिलेशन नहीं उनसे, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी सामान लिया थोड़ा सा, बात चली, बात चलते चलते सेब पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर से सेब लेके जाना। तो ये कुछ ऐसी मेमोरीज हैं साथ में जो मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ बहुत सारी समझ यहाँ के कल्चर की, यहाँ के लोगों की, कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, क्या करते हैं सुबह, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं खाने पीने के लिए, जीवन कैसे चलता है, और कितने खुश हैं कितने नहीं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लेके जा रहा हूँ, और इतनी सारी फॉन्ड मेमोरीज लेके जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मेरे हमेशा साथ चलने वाली है। बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत ही लाइफ के बेस्टेस्ट व्यूज़ मैंने यहाँ देखे हैं, और आई विश मैं दोबारा यहाँ आ सकूँ। तो आज हम चलेंगे यहाँ से शिमला, यहाँ से चलेंगे हम कल्पा से शिमला की राइड दिखाऊंगा आपको, पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की है सब कुछ, ऐसी सड़क, क्योंकि आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ, जब मैं वापस आया था तो शाम थी तो अच्छे अच्छे व्यूज़ नहीं दिखा पाया था, आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो उससे पहले बट मैं आपको रिकांगपियो एक्सप्लोर करवा दूंगा अगले ब्लॉग में, रिकांगपियो के कुछ प्लेसेस है विजिट करने के लिए, वो मार्केट और साथ में पूरा क्लब कर दूंगा ब्लॉग एक, वो दिखाऊंगा, उसके बाद शिमला चलेंगे यहाँ से। तो फाइनली आज किन्नौर डायरीज, हालांकि मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए, पर कांट हेल्प इट, घर शिमला है तो घर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर आपको जल्दी मिलेंगे अगली शानदार डेस्टिनेशन पे, तो कहीं मत जाइएगा, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, निकल रहे हैं, रिकांगपियो में मिलते हैं आपको। चलो जी फिर आ गया है वक्त चलने का वापस घर की तरफ, और गाड़ी दिखा देता हूँ कहाँ खड़ी है मेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग से सारी, ये जी पार्किंग, ये खड़ी है गाड़ी मेरी इधर सड़क के साथ ही, और ये सामने का एक बार फाइनल व्यू आपको चलने से पहले कल्पा का फाइनल व्यू दिखा देते हैं, और अब रहे हैं हम यहाँ से चल, डिवाइन व्यू है ये सुबह सुबह, मानते हो ना, सामने किन्नर कैलाश और इधर उफ क्या व्यू है यार, जबरदस्त। तो जी यहाँ से लेके चलते हैं आपको, मैं बता दूं आपको कि ये नीचे तो आपका रिकांगपियो की तरफ चला गया, यहाँ से 3 किलोमीटर है, बट बोलते हैं कोठी जो मंदिर है वो यहाँ से है, इधर से। सो जी कुछ ही दूरी पे मेन सड़क से, समझ लो जैसे मैं रास्ता काटा, कुछ ही मीटर पे आगे जाके आ गया ये गेट। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जा रहा होगा कोठी विलेज को ही, ऑब्वियसली कि कोठी मंदिर को ही जा रहा होगा। तो बस यहाँ से अब हम ऊपर चलेंगे मंदिर की तरफ, ठीक है जी। तो ये चल रहा है व्लॉग आपका रिकांगपियो का, कि रिकांगपियो में क्या कुछ है जो जगहें देखी जा सकती हैं, और रिकांगपियो मार्केट आपको इसके बाद दिखाई जाएगी, कहीं मत जाइएगा। भाई
भाई ऐसा महसूस हुआ, ऊपर आगे जगह की थोड़ी तंगी है, यहाँ पे काफी सारे लोग रहते होंगे ना, तो गाड़ियां बिल्कुल सड़क के किनारे लगी हुई है, तो सिंगल लेन बन गया उसकी वजह से यहाँ पे। तो जी इतना ब्राइट सन है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको स्कूल बसेस यहाँ पिक कर रही हैं, बट यहाँ आके एक दिक्कत है कि यहाँ पे आके पार्किंग की बहुत समस्या है बॉस, क्योंकि सड़कों में गाड़ियाँ काफ़ी लोग रहते होंगे यहाँ पे, तो आपने गाड़ियों का हाल तो देख ही लिया, बट मैंने जैसे तैसे गाड़ियाँ साइड में पार्क कर दिया इधर, अब फटाफट अंदर चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं सुबह सुबह माता के आपको, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बच्चे अभी सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता जाता है जी आपका कोठी माता मंदिर की तरफ, बहुत ही फेमस स्थान है मैंने सुना है, और इसकी आपको हिस्ट्री भी बता देंगे। ये जी शानदार नजारा ऊपर आके, जैसे आप मंदिर पहुंचेंगे इतना ब्यूटीफुल व्यू घेर लेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ये देखिए वाओ। तो इस मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आबादी है, और ऊपर आके यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, इसीलिए वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और ये देखो सामने को भैरव मंदिर है, वहाँ भी ले जाऊँगा आपको, बट ये कुछ सूचनाएं होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। ये अंदर मंदिर का गेट है जी। तो मंदिर में प्रांगण में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे एज अ रिस्पेक्ट देवी देवताओं में हम नंगे सर नहीं जाते कभी, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप ये आपको सामने एक स्टैंड होगा बाहर ही, यहीं पे किन्नौरी टोपियाँ पड़ी होंगी, और उनमें से आप जो है एक टोपी लगा लेते हैं, सामने नंगे सिर नहीं जाते मंदिरों में अंदर दर्शन करने, तो टोपी लगा ली है। अब इसके बाद अब चलेंगे अंदर हम, ठीक है जी। बेहद खूबसूरत वाइब्स हैं, तो बताना कैसी लग रही है टोपी, क्या मैं भी ले लूँ एक अपने लिए। तो जी अंदर जब आप जाएंगे तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है मंदिर में माता के, और जो लिखा होता है ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो बाहर बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ से जो है एक बार मंदिर का दर्शन करा दिया जाए। मंदिर बेहद खूबसूरत है, और अंदर आपको माता के दर्शन भी हो जाएंगे, और ये सामने मंदिर है, ठीक है जी, ये देखिए। तो सुबह सुबह इतनी शानदार शुरुआत हुई है, यहाँ पे माता की बैठक रखी है, जब माता बाहर आती हैं तो ये बैठक है सामने हमें। चलो जी जय माता दी। छोटी सी दुकान यहाँ पे ठीक सामने है, ये सामने, ये ठीक सामने है भैरव मंदिर, पर भैरव मंदिर का गेट बंद है। तो ये आपका भैरव मंदिर है, और भैरव मंदिर में भोलेनाथ जी की बड़ी शानदार सी मूर्ति स्थापित हुई हुई है, और बड़ा अच्छा लग रहा है, विश्व में नीचे जा सकता है, ये देखिए। लिखा जी देवी साहिबा कोठी, नकाशियां तो ऐसी ऐसी कमाल हुई है ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो जी अब समय हो गया है यहाँ से वापस चलने का, भैरव मंदिर बंद है ऊपर, और ये भी अंदर एंट्री बंद है, पर अंदर दर्शन माता के बेहद खूबसूरत हुए, बहुत अच्छा लगा। तो अब ऐसा है कि यहाँ से तो वक्त हो गया आगे निकलने का, क्योंकि मंदिर के मैंने बता दिया माता के, देवी के बहुत ही खुले और बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे, और जो वाइब्स हैं इस मंदिर की, जो फ्रेग्रेंस इस मंदिर में आ रही होती है ना, और जो वाइब्स आएंगी यहाँ पे आपको, मतलब इतना अच्छा फील होगा ना, इतनी पावरफुल फील होगा ना। तो वहाँ भैरव का मंदिर है, भैरव जी का, और बस गाँव बड़ा ही खूबसूरत है भाई, बेहद खूबसूरत गाँव है। अब भाग रहे हैं यहाँ से रिकॉम्पियो मार्केट की तरफ, अब आपको मार्केट दिखाएंगे थोड़ी सी, और फिर निकलेंगे आगे सफर पे। तो ये है रिकॉम्पियो का व्लॉग। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं सेब के बगीचे और ग्रीनरी, यहाँ पे फिलहाल जो है फ्लावरिंग भी हो गई है, और यहाँ हरियाली भी आ गई है, पत्ते लगते हैं, पहले फ्लावरिंग होती है फिर पत्ते आते हैं, उसके बाद जो है फल आते हैं, उसके बाद इन्हीं पेड़ों, यही पेड़ आपको जो है फल देंगे।
और इसी वजह से भी एक ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से किन्नौर बेल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस बेल्ट मानी जाती है, मतलब यहाँ जो खेती बाड़ी होती है उसकी वजह से, खासकर सेब जो है हमारा उसकी वजह से। सुबह हो गई है और सुबह सुबह मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, रिकोंगपियो की मेन मार्केट है ये, बड़ी शानदार मार्केट है। मार्केट की वजह से नहीं, जो इसका व्यू है ना वो इतना सुंदर है ना सामने का, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा चलते चलते आपको ये दिखा देते, भाई आप कब देखोगे, जो नहीं आए यहाँ पे, जो नहीं आएंगे उनको कब लगेगा कि इतनी हाइट पे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, वो भी रिकोंगपियो जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो वहाँ पे हेडक्वार्टर की मार्केट कैसी होती होगी, क्या कुछ हो रहा है सुबह सुबह, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। डू नॉट गो एनीवेयर। ये देखो जी, तो शुरुआत हो चुकी है मार्केट की और ये है जी, और सामने इतना मतलब पता क्या, वो दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने, वो देखो भाई क्या मत सोचो ना यार, ऐसी जगह है कि एक तो ऐसी बीच में मार्केट हो और ऊपर से सामने का व्यू ऐसा गजब आ रहा हो, जो बर्फ़ से बड़े पहाड़ हो और वो भी किन्नर के लास्ट। वाह भाई वाह, कितना ही ब्यूटीफुल टेम्पटिंग लग रहा है ना व्यू। ये देखो इस तरह की किन्नौर, ये मार्केट है रिकोंगपियो। हालांकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है, पर मैंने सोचा कि आए होते हैं ना यार, उत्सुकता होती है बंदूकों की, रिकोंगपियो रिकोंगपियो नाम का भी सुना होगा आपने, तो ये मार्केट कैसी होती होगी। देखो अकेडमीज, भोजनालय, ढाबा और कुछ होटल्स वगैरह यहाँ पे, होटल ताज है यहाँ पे, ये है जी। एक्चुअली यहाँ पे क्या अच्छा सिस्टम जो मुझे लगा, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने साइड में येलो लाइन लगाई हुई है, उस येलो लाइन में आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, मतलब उसमें आपका चलान नहीं होगा। ऑलरेडी खुद ही इन्होंने सड़क के इस साइड पे एक साइड पे येलो लाइन दी हुई है, हालांकि इस साइड को मेरे ख्याल चलान कट जाता होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी हूँ तो बस निकलने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार जो है पियो, फेमस पियो, मैं खुद भी जाना चाहता, मतलब हालांकि मैं रात को डिनर करके गया हूँ यहाँ पे, पर रात को अच्छे से मार्केट दिख नहीं पाई थी। अभी एक्चुअली सुबह सुबह हर जगह का यही रूटीन होता है हिमाचल का, कि सब्जियाँ लोड अनलोड हो रही होती हैं हर जगह, शिमला चले जाओ पहाड़ में, क्या कहीं भी चले जाओ, हर जगह यही हो रहा होता है। सुबह सुबह लोडिंग अनलोडिंग चल रही होती है, ट्रक्स आए होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है ना, तो चलान होने का भी डर नहीं होता। फूड जंक्शन, हिमाचल हैंडलूम्स, यहाँ पे कुल्लू शॉल वगैरह लिख रहे हैं, और यहाँ पे पूरी छोले मिल रहे हैं, समोसा, परांठे, चाय, ये जी, बाकी छोटी मोटी दुकानें, एक्सेसरीज, फ़ोन की, ये वो सो पता ही आपको। सुबह सुबह मेरे को लगता है कि मार्केट लगी भी नहीं होगी और मैं लग गया हूँ व्लॉग पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि बच्चे तो स्कूल ही जा रहे हैं अभी यहाँ पे, वो देखो बच्चे वर्दी पहन के स्कूल चले गए अभी। एक स्ट्रेच ऊपर को है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सामने ये आपका चिकन पकौड़े वाला है जी, मछली पकौड़ा, तवा चिकन, तंदूरी चिकन अगर आप खाते हैं, चाट भंडार है। मैंने कल रात को यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी थी इस चाट भंडार में, लोग खा रहे थे, कोई रिकॉर्ड पे वालों मुझे बताना कि यहाँ पे जब आप चाट खाते हैं तो आपको कैसी लगती है, मतलब कितनी अच्छी होती है कि नहीं होती है, मैं तो नहीं खा रहा हूँ फिलहाल भी। ये शॉल्स वगैरह की दुकानें हैं यहाँ पे, बैग्स, गारमेंट्स की काफ़ी दुकानें दिख रही है मुझे आसपास यहाँ पे, ये देखो जैकेट्स, सुबह सुबह मस्त मज़ा आ रहा है, रिकोंगपियो की मार्केट एक्सप्लोर की जा रही है। बढ़िया ब्रेकफास्ट नहीं किया वो बंदे ने अभी, ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं, करना है, भूख लगी है, पर मैं सोचा सुबह सुबह जो जरूरी काम है जो हम करते हैं वो कर लेते हैं पहले, मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं पहले, अब ब्रेकफास्ट भी करना है अभी। बस ये समझ लो मैं एक्सट्रीम एंड पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे आगे आर्मी का है कुछ शायद, आगे से शूट नहीं कर रहा हूँ मैं, अब नीचे को चलता हूँ, थोड़ा सा है, कुछ मीटर की मार्केट है बस, ज़्यादा नहीं है ऊपर को। और ये देखो चीरती हुई सीधा पहाड़ नजर आएंगे आपको, फोटो स्टूडियोज, मैंने कहा ना यहाँ पे गारमेंट्स मुझे ज़्यादा दिखे, यहाँ पे कपड़ों कपड़ों की काफ़ी दुकान है। यहाँ पे आपको किन्नौरी स्टाइल की जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा अलग होती है एक्चुअली ना, वो जैकेट्स अगर आप देखेंगे वो ऐसी नहीं होती है, उनका पहनावा भी ढंग भी अलग होता है और बनी भी अलग ही जैसे स्टफ से होती है, आपने देखा है वो ग्रीन और रेड कलर की होती हैं प्योर, वो होती हैं किन्नौरी जैकेट्स वगैरह। लामा गिफ्ट शॉप, ये
ना किन्नौरी टोपियाँ, वो किन्नौरी टोपियाँ तो लगी हैं यहाँ पे हर जगह ही। ये सामने किन्नौर का ये रिकांगपियो का चौक है, और ये सामने एक वो रेस्टोरेंट है ऊपर, यहाँ जहाँ मैंने कल रात को डिनर किया था। यहाँ की मैंने एक चीज़ देखी सब जगह की ना, बहुत कॉस्टली है फूड यहाँ पे। रहना सस्ता पड़ेगा, फूड कॉस्टली पड़ेगा, यहाँ भी बहुत कॉस्टली है और फूड ओके है, एवरेज यहाँ पे। कल खाया मैंने एक्चुअली और बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे। फर्स्ट बाइट है यहाँ पे, कुछ है बेकरी आइटम्स मिल रही हैं यहाँ पे, पफ्स वगैरह देखता हूँ ऊपर जाके, कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, नहीं चलता हूँ कुछ खाने के लिए जो है। ये नीचे से आ रहे हैं हम मतलब शिमला रामपुर की तरफ से ये, और ये आपको दिख रहा होगा चौक, दिखाता हूँ एक बार। जहाँ को बस गई है ना अभी ये वाली, ये चला गया कल्पा की तरफ, ये वाला, ये मुड़ के इधर को, यहाँ सीधे चले जाओगे तो पांगी निकल जाएगा ये वाला रास्ता, अगर आप मुड़ जाएंगे तो कल्पा इधर से, ये टर्न काट लेना आपने कल्पा के लिए, ये है जी, ठीक है। वैसे छोटी सी और मार्केट है, शूज़ है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो रहा है। यही सब है मित्रों यहाँ तो, अभी उसके लिए दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको दिखाया कि किन्नौरी में ना आभूषण नहीं पहनते होते जैसे अंदर, तो ये हार होता है बेसिकली ना, आप फंक्शंस पे डालते हो बेसिकली, इनको डालते हैं, तो ये इतना बड़ा हार जो होता है किन्नौर चांदी का, ये समझ लो आपकी 50,000 का पड़ेगा, पूछा मैंने अभी, 50,000 के लगभग का ये हार पड़ेगा आपको चांदी का, इतना बड़ा जो किन्नौर में पहनते हैं चांदी चांदी का ही। तो अगर आपने पहना भाई महंगा है, चांदी भी है क्या बोलते हो। तो ये था जी एक छोटा सा टूर आपको रिकांगपियो मार्केट का, ये ले लिया पानी की बॉटल मैंने, अब यहाँ से चलेंगे अब हम शिमला के लिए, पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको, रोड ट्रिप आप, बस यही था सब कुछ, अच्छा लगा, ठीक है फिर इसी बात पे मिलते हैं आपसे शिमला में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और वेट करना आगे आने वाली सीरीज और भी अच्छी होगी।